हाँ भाई, ये बताओ कल का किस किस को कितना क्या समझ में आया? सब लोगों ने कर लिया कल जितना करवाया था तुम सबसे? कई लोगों ने तो अच्छा भी किया है, किसी ने देखा भी यूट्यूब पे। चलो सब कर दिया कल वाला तो। यस सर, कर लिया है। बढ़िया भाई, बढ़िया, एकदम मस्त। अच्छा, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि ऑब्स्टेकल्स ऐड कर लिए थे। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोलिजन सेटिंग्स डिटेक्ट करेंगे और फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर करवाएंगे। तो हम कर क्या सकते हैं, जब कोलाइड हो तो गेम को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर लेवल को दोबारा शुरू कर सकते हैं, या फिर गेम एंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम, ये जो सारे काम होते हैं ना, वो एक गेम मैनेजर स्क्रिप्ट में होता है। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ, नाम दे इसको गेम मैनेजर, और एक स्क्रिप्ट ऐड कर लो। ये देखो गेम मैनेजर, ये स्क्रिप्ट देखो अलग टाइप की दिख रही है ना, ये कोई, ये मतलब बोल्ड का सा साइन है। ये मैनेज करता है, ये यूनिटी के अंदर गेम मैनेजर का नाम, ये मतलब एज ए कीवर्ड सोच लो कि स्क्रिप्ट ये वाला दोबारा बताना एक क्या। स्क्रिप्ट वाला हो जो स्क्रिप्ट बनाएंगे गेम मैनेजर में, अच्छा गेम मैनेजर कैसे बनाया? स्क्रिप्ट बनाएंगे उसके अंदर वो। अच्छा नहीं, स्क्रिप्ट देखो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं कि ऐड कंपोनेंट करो, यहाँ पे नाम डाल दो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि वो न्यू स्क्रिप्ट बना रहा है यूनिटी, समझ गए? या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट। ओके ओके सर। समझ में आया? चलो बढ़िया, ओपन करते हैं। बढ़िया, गेम मैनेजर ओपन किया। तो अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन बनाएंगे अपने खुद के, जो कि कुछ होने पे वो कुछ ना कुछ ट्रिगर करें, या फिर कुछ नया, जैसे कि नए सीन में चला जाए, या फिर एंड हो जाए गेम, या फिर पोज हो जाए। तो उसके लिए हम बाद में करेंगे इस चीज को, अभी रख लेते हैं। तो अब करेंगे हम ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के लिए हमें सबसे पहले तो इन सब क्यूब्स के ऊपर क्या चाहिए, एक रिजिड बॉडी चाहिए, ये जरूरी है, और एक बॉक्स कोलाइडर। अच्छा ये बताओ कि बॉक्स कोलाइडर कल बताया था, करता क्या है बॉक्स कोलाइडर, कोई बताएगा? कोलिजन हेलो। इनेबल करता है सबके, हार्ट हाँ, कोलिजन को डिटेक्ट करता ऑब्जेक्ट है। बना अगर देता है। हाँ, और बॉक्स कोलाइडर, हाँ एग्जैक्टली, हार्ड ऑब्जेक्ट बना देता है। अगर मैं बॉक्स कोलाइडर ऑफ कर दूंगा किसी चीज के लिए, तो वो मतलब कोलिजन नहीं होगा, उसके अंदर से चीज आर बार निकल जाए। जैसे रन करके बताता हूँ, इसके लिए हमने डिसेबल किया तो वो नीचे गया ना, ये क्यूब था। चलो ये दो क्यूब है, दोनों के लिए बॉक्स कोलाइडर ऑफ कर देता है। तो ये रिजिड बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे कुछ भी, ये डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे एज एन ग्रेविटी यूज करते हुए। तो ये गए, तो जो भी कोलिजन का जो कुछ भी होता है वो सब किससे ट्रिगर होता है, बॉक्स कोलाइडर से। और बॉक्स कोलाइडर कई टाइप के होते हैं, सिलेंडर शेप कोलाइडर्स होते हैं, और एक मैश कोलाइडर्स भी होते हैं। जैसे 3D कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा, जैसे प्लेयर है, तो उसके कोलिजन्स ऐसे इफेक्टिवली हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया अभी तक का? हेलो, हाँ ना, बोलो भाई। ये यस सर, बोलना करो यार, समझ नहीं आया तो बताया करो भाई। तो हम यहाँ पे सिर्फ अरे अपना एक बॉक्स है, तो हम बॉक्स कोलाइडर यूज कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक करोगे ना, तुम्हें कोलाइडर सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी इसकी, जिससे तुम एडिट कर सकते हो। अब हम इसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे एक, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं। नाम दे दो कोलिजन। अच्छा अब कोलाइडर, फिजिक्स के अंदर कोलाइडर्स होते हैं, यूनिटी में भी कोलाइडर्स होते हैं, तो वो होते कहाँ पे हैं? उसके लिए एक अलग फंक्शन है कोलिजन डिटेक्ट करने के लिए, ऑन कोलिजन एंटर। तो void
ऑन कोलिजन स्टार्ट, वॉइड ऑन कोलिजन एंटर। अब देखो इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, कोलिजन एंटर, कोलिजन एंटर 2D, ये 2D में यूज होते हैं, और कोलिजन एग्जिट मतलब कुछ काम होके फिर डायरेक्ट वो गेम को एग्जिट करेगा या फिर न्यू सीन में चला जाएगा। तो हम करते हैं कोलिजन एंटर, मतलब कि फ्रंट फेस पे कोलिजन हो तब वो चीज डिटेक्ट करेगा। इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, हमें कोई भी काम करवाना हो, जैसे कि हमें जो अपनी प्लेयर है, हम क्या करवाएंगे कि जो अपना प्लेयर है वो रुक जाए, हम ये चाहते हैं। तो क्या करोगे कि हमारा प्लेयर रुक जाए ऐसा कोलिजन होने पे, क्या करो, कोई तो बताओ। हेलो, ये होता प्लेयर मूव, ये स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं ना, थोड़ी सी जीरो कर देंगे, वोट जीरो कर देंगे, इस चीज को जीरो करेंगे जो अपना प्लेयर ऑब्जेक्ट, प्लेयर ऑब्जेक्ट को, तो मतलब किस चीज को, मास को, उसकी वेलोसिटी को, क्या करेंगे, ड्राइविंग फोर्स, हाँ उसके फोर्स को जीरो करेंगे। हाँ एक काम कर सकते हैं कि जो भी फोर्स कुछ भी लग रहा है वो सब इस स्क्रिप्ट की वजह से लग रहा है ना, मूवमेंट स्क्रिप्ट। यस सर। हाँ तो हम इसे डिसेबल कर सकते हैं कि जैसे ही कोलाइड करे और ये चीज डिसेबल हो जाए, तो ना तो अपना मूवमेंट वर्क करे और ये रुक भी जाए, फोर्स ना लगे, तो कर सकते हैं सर वो, तो हम ये करें। हाँ होता होगा शायद, हाँ स्क्रिप्ट में, तो उसके लिए हमें इस स्क्रिप्ट का रेफरेंस भी चाहिए। तो स्क्रिप्ट का रेफरेंस कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट बनता है स्क्रिप्ट का रेफरेंस पब्लिक, और उसके बाद में स्क्रिप्ट का नाम जो ये मूवमेंट है, तो मूवमेंट, और उसके बाद में कुछ भी तुम जैसे अपने वेरिएबल नेम देते हैं ना, फ्लोट, फोर्स, तो वैसे कुछ भी नाम दे दो इसको, MMP। अब ये हो गया। अब देखो हम रेफरेंस किस किस चीज का बना रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी चीज का रेफरेंस ले सकते हैं, गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। अब गेम ऑब्जेक्ट को अगर अनेबल या डिसेबल करना है ना, तो उसके लिए होता है सेट एक्टिव गेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे ये प्लेयर है, अगर हमें पूरे प्लेयर को डिसेबल करना है तो क्या यूज करेंगे, डॉट सेट एक्टिव, और फिर हम बूलियन वैल्यू पास करेंगे ट्रू और फॉल्स। और जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्क्रिप्ट के लिए होता है डॉट अनेबल, अभी आगे यूज करेंगे हम, चलो देखते हैं इसको। ऑन कोलिजन एंटर, इफ अगर वो कोलाइड करेगा, कोलाइड किसके साथ करेगा, ऑब्स्टेकल्स के साथ। अब मैं ऐसे तो नहीं कि उसके अंदर बार बार नेस इफ बनाऊं कि भाई हाँ क्यूब वन के साथ नाम देके क्यूब टू के साथ, क्यूब वन टू के साथ कोलाइड करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टैग कर लेते हैं सबको, ये जो प्रीफैब है इसे टैग कर देते हैं, एक न्यू टैग कर देते हैं ऑब्स्टेकल नाम से। तो ये क्या होगा, हम टैग यूज करेंगे अब, कि उस टैग से अगर उस जिस पे भी ये टैग रहेगा उससे कोलाइड करने पे ये चीज फंक्शन स्टार्ट हो, तो सब दो कर देंगे ऑब्स्टेकल। अब देखो कोलिजन कैसे, मतलब कलेक्ट कैसे करेगी स्क्रिप्ट, कोलिजन इन्फो डॉट कोलाइडर डॉट टैग। अब टैग क्या था अपना, ऑब्स्टेकल, तो क्या करेगा, अब हम यहाँ पे तो ये रेफरेंस ले लिया। अब मैंने बोला कि जो भी कुछ काम होता है, फंक्शन होता है, वो कौन करवाता है, गेम मैनेजर कंडक्ट करता है वो सब चीज, तो उसके लिए हमें गेम मैनेजर का भी एक रेफरेंस चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ी इसको ऐसे नहीं, एक और तरीका बताऊंगा तुम्हें, फिर वो गेट कंपोनेंट का पता चल जाएगा उससे। अब करते हैं कोलिजन इन्फो कोलाइडर डॉट टैग। हाँ इसका अंदर
अदर डॉट कोलाइडर टैग ऑब्स्टेकल। अभी हम सिंपल करते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है ना वो फ्रीज कर देते हैं, अच्छा मूवमेंट फ्रीज करने के लिए क्या यूज करें बताओ, कोई बताएगा? हेलो तो स्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया ना, उससे भी हो जाएगा क्या? तो जो स्क्रिप्ट है उसकी मूवमेंट की वो हम डिसेबल कर देंगे ना, जो आपने बताया अभी अभी। अच्छा हाँ, एक तो वो भी कर सकते हैं, पर मतलब हम मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोलाइड कर गया, वो कोलाइड करने के बाद में रोटेट करने लग जाता है क्योंकि हमने एकदम से फोर्स रोका तो उसको इंपल्स लगा, तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज कर दो बहुत सारी। क्या? फ्रिक्शन इंक्रीज कर दो, बहुत ज्यादा कर दो फ्रिक्शन, तो फिर वो अपने गेम की फिजिक्स फिर ठीक से नहीं बैठेगी। तो कुछ और कर सकते हो, मास बढ़ा दो, मास बढ़ा दो बहुत ज्यादा। तुमने रिजिड बॉडी को देखा खोल के कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें मास बढ़ाने पे क्या करना पड़ेगा? वैसे सही है, काफी ज्यादा मास करने पे भी रुक जाएगा। तो एक चीज करते हैं, फिर रिजिड बॉडी का रेफरेंस लेते हैं, पब्लिक रिजिड बॉडी प्लेयर रिजिड। अब क्या करेंगे, जैसे वो कोलाइड करेगा, कोलाइड करने पे क्या होगा कि प्लेयर प्लेयर रिजिड डॉट कंस्ट्रेंट। ये क्या डॉट फ्रीज, फ्रीज क्या करना है, सबको फ्रीज करना है, पोजीशन फ्रीज करनी है, रोटेशन फ्रीज करना है, या फिर क्या चीज फ्रीज करनी है? तो फ्रीज ऑल। अब इससे इस स्क्रिप्ट से होगा क्या कि जैसे ही वो कोलाइड करेगा, कोलाइड करते ही क्या होगा कि वो रुक जाएगा एक जगह, ना तो रोटेट करेगा ना ही वो आगे मूव करेगा, समझ गए? हेलो यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है, समझ गए। तो अब करके देखते हैं ये चीज। कहाँ गई अपनी स्क्रिप्ट, क्या एरर दे रहा है? कोलिजन यार, नेम स्पेस है उसका। अभी रन करते हैं। अब हम ये किसके साथ लगाएं स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट लगाएंगे हम क्यूब के साथ। तो अब रन करके देखते हैं। इतना समझ में आया क्या किया अभी? जैसे ही कोलाइड करेगा तो वो क्या हो? तो काम नहीं कर रहा सर। ये स्क्रिप्ट प्लेयर के साथ अटैच नहीं करेगा? नहीं, किसी के साथ भी कर दो। कोलिजन स्क्रिप्ट में शायद रेफरेंस देना।
ओह सॉरी 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 यार, हाँ ये भी कर सकते हैं कि अब चला के देखते हैं। कोलाइड गया, रुक गया, कुछ नहीं हुआ है ना, नहीं रोटेट भी अभी पिछली बार क्या हुआ था, कोलाइड करते ही क्या रोटेट कर गया था वो, है ना। ये देखो रुक गया, ना ही रोटेट कर रहा है ना ही वो मतलब आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम स्क्रिप्ट बंद कर दें उसकी। अब अगर मैं साइड में फोर्स लगाऊंगा ना, साइड वाइज फोर्स, तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि फ्रीज ऑल कर दिया, तो ये सब फ्रीज हो गए कंस्टेंट्स। देखो प्ले मोड से बाहर गया, ये सब अनफ्रीज है अभी, जैसे को लग गया फ्रीज। आ गया समझ में? यस सर। चलो बढ़िया, अब हम क्या करेंगे, हम ये चीज ना करके पेस्ट कर दें सर। अच्छा हाँ, चलो फंक्शन। और सुनो वो जो एरर देखा था तुमने, कोलिजन स्क्रिप्ट है ना जो, उसको कोलिजन मत नेम करना, क्योंकि कोलिजन क्या कहते हैं, एक कीवर्ड भी बोलता है उसमें, जो एरर दे रहा था सुमित का भी। ये फंक्शन है, तुम कुछ भी नाम डालो अपनी स्क्रिप्ट का और उसके बाद में ये फंक्शंस कॉपी कर लो। अभी हम आगे क्या करेंगे कि गेम मैनेजर के अंदर से फिर हम कुछ चीजें करवाएंगे, जैसे कि गेम मैनेजर क्या सेट करेगा कि हम हमारा गेम जैसे कोलाइड करे, या तो दोबारा रिस्टार्ट हो जाए या फिर आपको दिखा दे कि यू लूज कुछ भी या फिर ऐसा कुछ, तो वो चीज करते हैं अभी। इतना कर लिया सबने, किस किस ने कर लिया? सर एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा करो करो, टाइम लगेगा अभी। अच्छा तब तक ये बताओ कि गेम ऑब्जेक्ट को मतलब एक्टिव और मतलब इनएक्टिव करने के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब कोई भी गेम ऑब्जेक्ट हो उसे मतलब इनएक्टिव करना है स्क्रिप्ट से तो क्या यूज करोगे? अभी तो बताया था यार, दो चीजें बताई थी, एक स्क्रिप्ट के लिए बताई थी, एक गेम ऑब्जेक्ट के लिए बताई थी, कोई बताओ यार। अर्पित गेम ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव और 0 और 1। गेम ऑब्जेक्ट के लिए तो आता है डॉट सेट एक्टिव, और हाँ और जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उनके लिए आता है अनेबल, फिर हम डायरेक्ट बूलियन वैल्यूज दे देते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है सर, इसको याद रखियो, ये काफी जगह पे काम आता है, तुम अगर बाद में अपना गेम बनाओगे कुछ भी तो एक बार ट्राई करूंगा तो याद हो जाएगा। हाँ बढ़िया बढ़िया, पता है तुम लोगों को, मेरे को भी सबसे पहले यही दिक्कत आती थी कि रेफरेंस एरर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद में मैंने वो सब छोड़ ही दिया। मैं स्टार फंक्शन में क्या करता हूँ कि हमेशा ये करता हूँ, अगर कोई गेम रेफरेंस देना है तो गेट कंपोनेंट लेता हूँ, अगर कोई और जैसे
गेट कंपोनेंट से तो जहाँ पे जो स्क्रिप्ट लगी हुई है ना उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहाँ से जो भी आपको चाहिए। और अगर मान लो कि मुझे इस क्यूब के कंपोनेंट्स चाहिए तो फिर उसको पूरे गेम के अंदर फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये चीज़ होती है फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। अगर स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट, या फिर कोई गेम ऑब्जेक्ट है तो फिर यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट और एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा फिर उसका सर नाम। आपकी ना ये जो दिखा रहे हैं ना आप वीएस स्टूडियो पे जो भी वीएस कोड पे दिखा रहे हैं ना, वो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा कर ओके 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 अभी चाहिए सर थोड़ा और। सर कोलिजन स्क्रिप्ट को प्लेयर में डालना है ना? हाँ प्लेयर में डाल दो, क्योंकि तो हम उसी के तो मूवमेंट स्टॉप कर रहे हैं, तो प्लेयर के साथ अटैच करो कोलिजन स्क्रिप्ट को। सर जैसे आपके वहाँ पे डिफॉल्ट में आ रहा है ना ऑब्स्टिकल, मतलब पहले की गिवन वैल्यू है वहाँ पे ऑब्स्टिकल की, डिफॉल्ट में जैसे कहाँ पे? जैसे आप सर उस पर क्लिक करते हो ना ऑब्स्टिकल्स, वो जो एम्प्टी, हाँ इसमें आपने सबको जब टैग किया ना तो उसमें आपका ऑब्स्टिकल आ रहा है लिखा यहाँ वाला, पे ये टैग नहीं में हमारे में, ये मेरे में नहीं, नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐड टैग करो, ऐड करना ऐड पड़ेगा कर दूँ? तुम्हें, ओके सर। ऐड करो फिर यहाँ पे न्यू ऑब्स्टिकल, न्यू बनाओ न्यू टैग और फिर कुछ भी नाम दे दो उसको। मैंने ओके ये सर टैग टैग क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को काम आ रहा है ये, वरना मेरे को यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ता एक एक, मतलब जिससे भी कोलाइड करेगा उसका नाम, और फिर दोबारा से इफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती। तो मैं वो काम मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए एक टैग बना दिया और डायरेक्ट टैग का नाम पास कर दिया कि भाई जिसके ऊपर भी ये टैग रहेगा उससे कोलाइड करते ही ये काम होगा। और हाँ सेव करते रहियो प्रोजेक्ट को, हर टाइम पे हर इंस्टांस पे सेव करते रहियो, गुड प्रैक्टिस रहती है। कितनों का हो गया? मिनट वेट कर ले, शायद कर रहे होंगे। कभी किसी ने पहले भी किया है ओके गेम डेव? बढ़िया भाई सिद्धार्थ, नाइस नाइस वन, सो नाइस है उसका। पाइथन वगैरह और कोई सीखा था चाहिए? कोई पहले से? सर मैंने क्या पाइथन पहले, और थोड़ा गेम मतलब सो रोबलॉक्स मैंने पे भी ट्राई किया किया था। पाइथन। रोबलॉक्स पे? यस yes, सर। अरे यार बहुत बढ़िया। नाइस नाइस। इस सेम के T3 के बाद में छुट्टियां रहेंगी 1 महीने की लगभग शायद, तो क्या क्या करोगे तुम लोग? गेम ड्राइव करेगा कोई सिंसियरली? उसको हम मतलब बताते रहेंगे कि कैसे कैसे सीखना है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट करने हैं। ये बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है जो अभी करा रहे हैं, ठीक है? अरे हाँ तो फिर एकदम जैसे बिगनर जैसे तुम्हारे फ्रेंडली क्या है। कहते हैं दिखाओ कि कर रहे हो, मैं दिखेगा तो हम हेल्प और करेंगे, साथ में बनाएंगे फिर मिलके गेम, मोनेटाइज वगैरह भी कर सकते हैं उसको। पर कोई भी आइडियाज हैं यार तो शेयर कर देना, ठीक है? क्या कहते हैं, इस डर से मत रहना कि यार कोई आइडिया चुरा लेगा मेरा इस क्या कहते हैं गेम डेव टीम में, या फिर हम में से कोई, क्योंकि देखो स्टीम वेबसाइट पता होगी तुम्हें अगर जो खेलता है उस पे, मतलब क्या कहते हैं गेम्स का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, सेल करते हैं जो लोग गेम्स, वहाँ तुम्हारे इंडी गेम डेव्स होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 5-5 हज़ार गेम ना हर दिन पोस्ट होते हैं, हर दिन नए गेम्स, ठीक है? तो तुम्हारा जो कंपटीशन है ना वो है, हम लोग नहीं है। तो फिर इससे मत डरना कि कोई आइडिया चुरा लेगा तुम्हारा, फिर कोई भी आइडिया आता है तो यार शेयर करने से मत घबराना बिल्कुल, ठीक
टीम्स में भी डिवाइड हो गए अभी तुम लोग बना देना, पर मतलब ये बॉक्स को साथ में ड्रैग करके लेके और फिर दोनों नीचे गिर गए। क्या क्या ड्रैग करके ले गया? हाँ वो उसको साथ में अपने साथ खींच के ले गया और दोनों गिर गए। तुमने रेफरेंस नहीं दिया होगा शायद कोलिजन स्क्रिप्ट में प्लेयर को कर दिया। अच्छा, ये मतलब वो कोलाइड कर गया फिर उसके बाद में वो जो जिससे हाँ वो रुका नहीं वो अच्छा नहीं कुछ ले गया नीचे गिर गया। हाँ तो तुमने रेफरेंस नहीं दिया होगा शायद, आई थिंक कोई गलत रेफरेंस दिया होगा। फिर वो नहीं आ रहा कहीं, मतलब एरर दिखा रहा है यूनिटी। ऑब्स्टेकल्स को टैग किया सबको, सारे ऑब्स्टेकल्स को टैग किया सर? किया तो है, एक बार क्रॉस चेक करो कि ऑब्स्टेकल्स को टैग नहीं किया हुआ तभी तो वो कोलिजन के बाद में वो परफॉर्म नहीं कर रहा। सर एक मिनट, हाँ दिखा दे अपने यूनिटी पे एक बार, दिखा दे कैसे टैग कहाँ पे होना है और रेफरेंस। सुमित एक बार पूरी रेफरेंस दे दे इनको। अच्छा हाँ, पहले क्या करना है, पहले तो तुम लोगों को ये कोलिजन स्क्रिप्ट के नाम से बनाना है, फिर उसके बाद में सभी को मतलब एक टैग बनाना है, किसी के भी ऊपर कोई भी ऑब्स्टेकल पे क्लिक करो, एक नया टैग बनाओ, एड टैग करके यहाँ से क्लिक करो और फिर कोई भी नाम दे दो टैग को और सेव कर दो। ये करने के बाद में फिर सभी को सेलेक्ट कर लो, जो जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको सेलेक्ट करो और जो भी तुमने टैग दिया है वो सेलेक्ट कर लो, तो उन वो सब टैग हो गए एज ऑब्स्टेकल नेम। फिर उसके बाद में ये टैग हमें कहाँ काम आ रहा है, स्क्रिप्ट में काम आ रहा है। स्क्रिप्ट में कैसे काम आ रहा है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये अपना जो कोलिजन का जो भी कुछ स्टोर होगा ना, ऑन कोलिजन एंटर जो भी कुछ स्टोर करेगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, अदर के नाम से। तो अदर के कोलाइडर इन्फो में जो भी टैग होगा तो यहाँ पे टैग पास कर देना है। तो यहाँ पे जो तुमने कोई भी रैंडम नेम दिया है खुद के हिसाब से या फिर ऑब्स्टेकल दिया हो ये पास कर देना बस, और उसके बाद में ये स्क्रिप्ट ये फंक्शन काम करे। अभी समझ गए सब? कितनों का हो गया? अच्छा ये बताओ कि जो हमने मूवमेंट स्क्रिप्ट बनाई थी उसके अंदर हम लोग एरो कीज भी तो यूज करते हैं, जैसे रेसिंग गेम खेलते हैं तो उसमें WASD भी रहता है, एरो कीज भी रहती है, तो वो कैसे आप करोगे? सर और करके लगा सकते हैं, यहाँ पे आपने गेट की वाला डाला है ना कि हाँ। जैसे और करके लगा सकते हैं कि अगर वो W या फिर अप एरो की तो वो एक ही एक्शन पे दोनों की डिफाइन कर दे। नाइस, सही है। तो मतलब वहां पे डालोगे क्या, वहां पे तो हमने वो मतलब एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया कि स्मॉल डी कैपिटल डी, तो एरो की को कैसे पास करोगे, एरो की प्रेस कैसे करोगे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कि गेट की, उसमें लिखना पड़ता है गेट की फिर ब्रैकेट में की कोड डॉट अप एरो। और नाइस 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 भाई, तुमने मतलब किया है भाई। नहीं सर मैं पढ़ रहा था वैल्यू, एस का वैल्यू मुझे, हां कर सकते हैं एस का वैल्यू पे भी भाई, होती है एस्काई वैल्यू से जो होती है, जो अल्फान्यूमेरिक कीज होती है उन पे एस्काई वैल्यूज भी यूज करते हैं कई बार। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखो वहाँ पे मिलेंगे भाई बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे ये बता रहे इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट ए, तो ये है लेफ्ट एरो ये चीज। अब ये रन करके देखोगे तो तुम्हारा एरो कीज से भी चलेगा। ये चल रहा है भैया। तो ये मतलब काम कहाँ, हम जब FPS बनाएंगे या फिर कुछ और करेंगे तो उसके अंदर हमें जंप भी चाहिए होता है, तो स्पेस और ये सब अप एरो डाउन एरो डक के लिए ये सब तो वहाँ यूज करते हैं एरो कीज के लिए। तो अगर हमें एज ए नेम पास करना है तो हम ये चीज यूज करते हैं इनपुट गेट की फिर की कोड, हर एक की का एक अलग नाम है, जैसे आप नम पैड में 7 प्रेस करोगे तो नम 7 नम पैड 7 ऐसे,
numpad का delete press करोगे तो numpad del सब हर एक चीज से है, end press करोगे, home press करोगे, कुछ भी। चलो बढ़िया, कितने लोगों को हो गए बताओ भाई? हो गया सर। इतने धीरे मत करो यार, ऐसे होगा नहीं फिर। चलो हो गया, अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी जो प्लेयर स्क्रिप्ट है, मूवमेंट स्क्रिप्ट, इसको डिसेबल करेंगे। तो सिंपल है, इसको डिसेबल करना है तो ऐसे वो कोलाइड किया तो उसका रेफरेंस अपने पास MMT में है स्क्रिप्ट का, और डॉट अनेबल, अनेबल इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे बूलियन वैल्यू पास कर दो, अगर ट्रू तो मतलब वो अनेबल हो जाएगी, और अगर उसे हटाना है वहां से तो फॉल्स। ये हो गया, बस एक लाइन लिखनी थी, ये हो गया। यहाँ से किया एंड देन ये लो। अब वो जो हमने हटाया था ना, फ्रीज रोटेट या फिर पोजीशन चेंज हो, वो कुछ नहीं हुआ, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स भी नहीं लग रहा, मतलब मूवमेंट स्क्रिप्ट डिसेबल हो गई। ये देखो मूवमेंट स्क्रिप्ट डिसेबल, पहले क्या ये अनेबल हो जा रहे थे, अभी ये हटा दिया, इनको कमेंट कर दिया, और ये मूवमेंट स्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया। चलो बढ़िया, ये समझ में आया, बस एक लाइन लिखनी है, स्क्रिप्ट का वेरिएबल नेम डॉट अनेबल इक्वल्स टू बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। हो गया, इतना हुआ। हेलो, इतने में किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई? चलो बढ़िया, बस एक लाइन ऐड कर दो। ऑब्स्टेकल्स उधर ही रह रहे हैं ना, पर वो मतलब क्या हो रहा है कि मेरे जो ऑब्स्टेकल्स है ना वो सारे के सारे नीचे चले जा रहे हैं, पहले एक ही जा रहा था। अच्छा हाँ, एक बार तुम प्रेजेंट करो। सर ये है ना, तो जो मैं प्ले कर रही हूँ, अच्छा वो सब कुछ ही सारा प्ले नीचे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ समझ गया। एक तो ये प्ले मोड से ऑफ करो इसको, कंट्रोल पे। हाँ एक यार ये मतलब व्यू भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो एक्स वाई जी लिखे हुए हैं वहाँ पे नीचे ISO आ रहा है, उसको उसमें करो, ISO आइसोमेट्रिक से हटाओ, पर्सपेक्टिव में F दबाओ। सर क्या बोल रहे? प्रेस F, प्रेस F, F टू फोकस, फोकस करो मतलब कीबोर्ड प्रेस F। सर F तो कर दिया, किस पे फोकस करूं? अच्छा हाँ गेम, अच्छा तुमने किया क्या ये बताओ अभी तक इसमें? सर एक प्लेन है साइड में बाउंड, अच्छा, और अच्छा। बीच में एक प्लेयर है और बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं थोड़े। हाँ तो तुम प्लेयर को चलाओ और कोई एक ऑब्स्टेकल से, मतलब ये जो स्पेयर या फिर क्यूब जो तुमने ऑब्स्टेकल डाल रखे हैं उनसे कोलिजन करवाओ। ये देखो ये भी ऑब्स्टेकल है। हाँ, तुम्हारा स्क्रिप्ट में दिक्कत है, स्क्रिप्ट दिखाओ तुम्हारी, प्लेयर प्लेयर के ऊपर उसको स्क्रिप्ट को कहाँ लगाया तुमने? प्लेयर प्लेयर दिखाओ तुम्हारा, प्लेयर और उसको प्लेयर। हाँ अब ये नीचे स्क्रॉल करो इंस्ट्रक्टर विंडो, यहाँ पे स्क्रिप्ट है तो नहीं, ऐड कंपोनेंट करो। हाँ ये नाम डालो स्क्रिप्ट का, कोलिजन COLL डालते ही आ जाएगा। हाँ एंटर करो, अब यहाँ पे रेफरेंस दो। हाँ ये न्यू एडेड स्क्रिप्ट में, वो जहाँ पे वो सर्कल है ना एंड में, एंड में सर्कल आ रहा है वहां से। हाँ एंटर प्रेस करो, रिजिड बॉडी का भी दो, ये एक और, नहीं नहीं रिजिड बॉडी का तो दो रेफरेंस, एक और बच गया ना प्लेयर की रिजिड बॉडी, प्लेयर प्लेयर से चूज करियो इसमें। हाँ अब चलाओ, सेव करके, सेव करके। हाँ चलो तो
रुक गया ना रिंग, तो फिर भी बाहर गिर गया। रिंग इसलिए गिरा है क्योंकि तुमने उनके ऊपर भी कोलिजन का वो कर रखा है कि वो कोलाइड होते ही फिर वो चीज होगी, तो उससे कोलिजन हटा दो। जो रिंग है ना तुम्हारी रिंग, उसको सेलेक्ट करो, रिंग को सेलेक्ट करो। सर वो चार क्यूब है, वो अलग अलग रखे हुए मैंने। हाँ पहले प्ले मोड से बाहर आओ। हाँ अब एक काम करो, अभी के लिए डिसेबल कर दो रिंग को, इसको बाद में देखते हैं। ओके यस सर, अभी के लिए डिसेबल कर दो। डिसेबल कैसे कर, अरे यहाँ से क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर पैनल पे, यहाँ से जैसे ये प्लेयर को डिसेबल करना है यहाँ से कर दो ये, मतलब वो हटेगा नहीं पर वो तुम्हारे गेम में यूज नहीं होगा। फिर स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप। अच्छा चलो अभी लगा हुआ है क्यूब के साइड में, उसको हटा दो। हाँ ये काम है। थैंक यू सर। हुआ कितनों का हो गया? ठीक है यार अभी कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं। अच्छा अभी हम क्या करेंगे कि लेवल को रीस्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे कोलाइड करे फिर वो अपना लेवल रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? अब जैसे मैंने बताया कि भाई गेम को आगे बढ़ाना है या फिर कोई नया सीन लोड करना है, तो ये सब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेम मैनेजर यूज करते हैं। गेम स्पेसिफिक यूनिटी के लिए बना हुआ है गेम मैनेजर। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? हम करेंगे कि जैसे ही वो कोलाइड करे तो वो दोबारा शुरू हो जाए, तो उसके लिए क्या करें? कोई बताएगा कुछ क्या करें? कोई भी आइडिया, थोड़ा सा गैस ही लगा लो भाई। मैं तो अपना स्क्रीन एक बार रीशेयर कर दे, शायद कोई एरर आ गया दिखने में। ये मेरे को दिख नहीं दिख रहा है किसी को? नहीं नहीं ये हां एरर था, नहीं दिख रहा। मैं भी पूछ रहा हूं। हां हां तो बोलोगे तुम? बोलो यार, नहीं बोलोगे? बोलो भाई, ऐसे क्या यार, ऐसे क्या कर रहे हो? मुझे लगा मेरा एरर है, मैंने लीव कर दिया। सर ऐसा कर सकते हैं? हां बताओ। फिर ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा प्लेयर था उसको उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं जहां से स्टार्ट हुआ था। इनिशियल पोजीशन पे ला सकते हैं जहां से स्टार्ट हुआ था, वहां कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पोजीशन मतलब पास कर देंगे, पोजीशन 0-0 हो जाए उसकी। और कोई बेटर वे बताओ यार, ये तो मतलब हाँ कर सकते हैं, कोई और बेटर वे इससे बढ़िया? ऐसा कर सकते हैं कि मतलब पूरा सीन ही रीलोड कर सकते हैं। हाँ सर, गेम को रीसेट कर सकते हैं ना वापस इनिशियल फेज को। हाँ बढ़िया। और कोई और कुछ मतलब कोई आइडिया आ रहा हो इससे भी बेटर? सोचो भाई, कुछ भी कर सकते हैं इसमें तो। हेलो, नहीं आ रहे? चलो ठीक है कर लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है अपने को। अगर हम कुछ भी सीन के साथ करते हैं, नेक्स्ट सीन लोड करना है या फिर प्रीवियस सीन लोड करना है या फिर उसी सीन को वापस से रीलोड करना है, तो ये चीज यूज करते हैं हम। अब ये कैसे यूज करेंगे? हम करेंगे, और ये सीन का जो भी सिस्टम होता है ना, जो सीन मैनेजमेंट यूज करता है वो कहाँ से यूज करता है? हमें पहले बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जाके वो सीन ऐड करना पड़ता है। ये यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ऐड ओपन सीन, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्साइज करता है हर एक सीन को और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, फाइल बिल्ड सेटिंग्स, उसके बाद में ऐड करना है उसे वापस रीलोड के लिए। चलो अब करते हैं कॉलेज स्क्रिप्ट में, इसको डिसेबल कर दिया। अब हाँ अब हम फंक्शन बनाएंगे void restart, मतलब गेम रीस्टार्ट हो। गेम रीस्टार्ट कैसे होगा? सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन लोड सीन
अब हम क्या कर सकते हैं लोड सीन में, गेट एक्टिव सीन, मतलब सी कौन सा सीन को एक्टिव करना है, तो लोड करना है कौन सा सीन। एक तो हम नाम दे सकते हैं सीन का, अब नेम, नेम का हम नाम कहाँ से लेंगे, बिल्ड सेटिंग से, सैंपल सीन यहाँ पे जो नाम आएंगे ना वो यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं बिल्ड नंबर, ये इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ये यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे ये बिल्ड नंबर लोड एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स प्लस जीरो, मतलब वही सीन लोड हो जाए अपना वापस से। और हमें मतलब एक सीन मैनेजर यूज करना पड़ता है सीन मैनेजमेंट के लिए, ये सीन मैनेजर फिर वो प्रोवाइड करता है हमें अलग अलग फंक्शंस सीन मैनेजर का, गेट एक्टिव सीन जो भी कुछ अपन यूज करेंगे वो। और हम ये चीज किस में करवा रहे हैं, कोलिजन स्क्रिप्ट में, तो वो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे रेफरेंस लेंगे किसका, गेम मैनेजर का। अब गेम मैनेजर का रेफरेंस कैसे लेते हैं, हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए गेम मैनेजर का, रीस्टार्ट फंक्शन, तो वो कैसे यूज करते हैं, ये किया था ना अपने मूवमेंट स्क्रिप्ट का लिया था, वैसे हम गेम मैनेजर का यूज लेंगे। तो गेम मैनेजर का लेंगे फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप गेम मैनेजर, पास करेंगे फिर गेम मैनेजर, एंड देन उसके अंदर कौन सी चीज हमें करवानी है डॉट। अब यहाँ पे वो फंक्शन दिखाएगा उसके रीस्टार्ट के नाम से भी होगा, क्या नाम से था? तो मैं यहाँ मैनेजर की शायद स्पेलिंग गलत है उस स्क्रिप्ट में। आगे आ गया रीस्टार्ट हमारा इनवोक होगा, हमारा रीस्टार्ट काम करेगा। हाँ वो सीन मैनेजर लिखा है जहाँ सीन मैनेजर में कहाँ बता रहे हो भाई, यहीं पे हाँ वहीं पे नीचे नीचे लोड सीन से पहले मैंगर लिखा है। अबे नीचे सीन गेट एक्टिव सीन मैंगर, गेट एक्टिव सीन सीन M A N A होगा वहाँ पे। ओह सॉरी यार आ रहा है यहाँ पे लोड सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स। कॉलेज स्क्रिप्ट में सर कोलिजन स्क्रिप्ट में गेम मैनेजर का एम छोटा। हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं, कर रहा मैं देख रहा था यार ये रीस्टार्ट वर्ड, इसको पब्लिक करना पड़ेगा वरना ये होगा नहीं। अभी आ गया कर रहा था, आ गया पब्लिक, चलो ठीक है अब करके देखते हैं। ये रीस्टार्ट होगा अब ये गेम, क्या मतलब पूरा सीन ही वापस से लोड हो जाएगा इसमें। क्या दिक्कत आ रही है यार, सॉरी यार मैं भूल गया था क्या करना था, गेट एक्टिव सीन उल्टा काम कर रहा था। अच्छा हमें क्या करना है, सीन मैनेजर के अंदर लोड करना है सीन दोबारा से, और कौन सा सीन लोड करना है वो हमें करना है, वो मिलेगा गेट एक्टिव सीन से, और इसके लिए सीन मैनेजर लगाना पड़ेगा, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन, गेट एक्टिव सीन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे उसका नेम सीन का,
और या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड इंडेक्स से भी यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करेंगे गेट पे एक्टिव सीन बाय बिल्ड इंडेक्स, और हमें कौन सा सीन लोड करवाना है, प्लस जीरो। ये जीरो अगर मैं यहाँ पे, मतलब मुझे फिर से यही सीन चाहिए दोबारा से, तब मैंने जीरो यूज किया है। अगर मैं प्लस वन करता ना, तो अगर यहाँ पे कोई एक और सीन होता तो वो नेक्स्ट सीन लोड कर देता, और अगर माइनस वन करता तो जो जिस सीन पे है वो प्रीवियस सीन लोड कर लेता। तो ये समझ में आया कैसे किया? जैसे कोलाइड करेगा फिर से रिस्टार्ट हो गया। अब अभी हो क्या रहा है कि ये चीज बार बार कंटिन्यूस चल रही है, मतलब हमें कोई गैप नहीं मिल रहा। तो ये गैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपन? हेलो, डिले ऐड करके सर। हाँ, डिले ऐड करके। अब डिले कैसे करते हैं ऐड? यूनिटी में डिले करते हैं इनवोक से, इनवोक फंक्शन यूज करते हैं डिले ऐड करने के लिए। तो हम ये रीस्टार्ट के अंदर कर सकते हैं, जब यहाँ पे करवा रहे हैं ना, ये लोड करवा रहे हैं, इसके अंदर इन्वोक करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी डिले ऐड कर सकते हैं कि भाई इन्वोक हो फिर उसके बाद में हो। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे एक इन्वोक ऐड कर लेते हैं। इन्वोक क्या चीज? इन्वोक करें आप ही करते हैं इनवोक, ये चीज इनवोक हो। कितना डिले पे? 2 सेकंड के बाद में। हम छोड़ इतना काम करते हैं, हम इसको उसी स्क्रिप्ट में गेम मैनेजर में ही करवाते हैं। गेम मैनेजर में कैसे करेंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे जो रीस्टार्ट फंक्शन को यूज करेगा कुछ भी। वॉक 2 सेकंड का वेट और उसके बाद में लोड। अब चलाते हैं, तो वो कोलाइड किया, वेट। अरे यार, बढ़ा दो वो। टाइम को है तूने फ्लोट में नहीं डाला। क्या क्या? टाइम को फ्लोट में नहीं डालेगा? अब वो ले लेता है फ्लोट में। अभी करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इनवोक लगाया है कि रीस्टार्ट जैसे ही कॉल होगा वो इनवोक करेगा ये फंक्शन, और कितना डिले? 2f का डिले। तो इसमें करते हैं
लेट्स सी ये हुआ 2 सेकंड के बाद में फिर से लोड कोलिजन 2 सेकंड लोड हम इंक्रीज भी कर सकते हैं इस चीज को या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं कम कर दिया अभी इनवोक ये 1 सेकंड पे अभी समझ में आया इनवोक कैसे काम कर रहा है अब हम इसमें बीच में कुछ भी इन्वोक करवा सकते हैं कोई अदर फंक्शन जैसे मतलब हम करते हैं कि जब सीन एंड करते हैं तो मतलब हमें न्यू सीन लोड करना पड़ता है तो हम ये चीज सेम टू सेम कर सकते हैं सीन मैनेजर लोड सीन और उसके बाद में गेट एक्टिव सीन प्लस 1 अगर नेक्स्ट सीन है तो वो इतना समझ में आया क्या किया अभी तक कंफ्यूज हो गए बीच में कंफ्यूज हो गए होगे क्या किया तो हमने कुछ नहीं किया बस हमने गेम मैनेजर के अंदर एक रिस्टार्ट फंक्शन बनाया जिसके अंदर की हमने नेक्स्ट सीन को लोड करवाया एक इनवोक के साथ में और ये इसका रेफरेंस हम कहाँ ले रहे हैं यहाँ कोलिजन स्क्रिप्ट में और ये जो भी तुम लोग ये बात का ध्यान रखियो अगर सीन मैनेजमेंट का कोई भी काम हो वो किससे करवाना है तुम्हें गेम मैनेजर में करवाना है ये एफिशिएंट वे है मतलब गेम बनाने का वरना तुम्हारा मतलब लैग आते हैं गेम मैनेजर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना सुमित हाँ गेम मैनेजर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है बस उसके अंदर एक स्क्रिप्ट है सिर्फ एक स्क्रिप्ट है अब इसके अंदर क्या काम करवा सकते हैं हम कोई भी यहाँ पे मतलब गेम ऑब्जेक्ट को अनेबल डिसेबल करना हो वो करवा सकते हैं किसी स्क्रिप्ट को अनेबल डिसेबल करना है वो करवा सकते हैं हम या फिर कोई हमें आगे मतलब स्कोर ये सब चाहिए होगा तो उसको अनेबल या डिसेबल करवाना सुमित स्क्रिप्ट सेंड कर दे चैट में अच्छा ये तो बस पहले तो मैं कोलिजन स्क्रिप्ट सेंड कर रहा हूँ फंक्शन के साथ और उसके बाद में भी गेम मैनेजर को किसी को कोई डाउट है इसमें कोई कंफ्यूजन है कोई भी डाउट हो बताओ भाई सर मैं जब ये सेम चीज ट्राई कर रहा हूं तो मेरे को एरर शो कर रहा है इसमें लिख रहा है द नेमस्पेस ग्लोबल नेमस्पेस ऑलरेडी कंटेन्स अ डेफिनेशन फॉर गेम मैनेजर हां तो भाई तुम्हारे पास दो दो गेम मैनेजर होंगे स्क्रिप्ट पे चेक करो स्क्रीन शेयर स्क्रिप्ट का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा शायद ओके ओके मैंने शायद गलत लिखा है नाम हां देख लो भाई वो गेम मैनेजर तुम वैसे कैपिटल एम स्मॉल एम कुछ भी लिखो गेम मैनेजर अगर जैसे ही स्पेल होगा ना वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा यूनिटी की आप क्या फंक्शनलाइज कर रहे हो उसमें सर जैसे आप जो पहले बताए थे ना रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट डॉट फ्रीज ऑल करके तो उससे हाँ? तुरंत रुक जा रहा है पर जैसे एमएनटी डॉट हटा दो हां पर एमएनटी डॉट एनेबल वाले से कर रहे तो वो थोड़ा ड्रैग होने के बाद रुक रहा हाँ तो वो तो होगा ही भाई क्योंकि तुम एकदम से मतलब हर एक चीज को रोक नहीं रहे उस पे फोर्स तो मतलब लगा हुआ है ना पिछली फ्रेम का तो फोर्स है ही तो वो एक्ट कर रहा है उस पे पिछली फ्रेम में तो फोर्स लग ही रहा था डिसेबल करने से पहले हाँ तो उसके कारण आ रहा है वो और हम उसमें क्या कर रहे थे कि जैसे वो पोजिशन फ्रीज करते हैं ना तो वो एकदम से रुक जाता है सडनली हाँ सडन स्टॉप हो रहा है
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो भाई। सर अपना स्क्रिप्ट और यूनिटी थोड़ी देर दिखा सकते हैं एक बार फिर से? अच्छा हाँ, कौन से स्क्रिप्ट देखेंगे? सो गेम मैनेजर वाली और हाँ गेम मैनेजर वाली। गेम मैनेजर की एक स्क्रिप्ट है। सुमित तूने स्क्रीन शेयर नहीं किया है? स्क्रीन शेयर नहीं किया है? मुझे लगा शेयर हो रही है। मैंने तो बताई बोल दिया करो भाई ऐसे। अभी आ रही है सही? हाँ सही है। हाँ गेम मैनेजर। अच्छा कोई बताएगा आगे और क्या ऐड करें इसमें, मतलब क्या करें? हेलो सर, वो ओरिजिनल गेम में तो ये जो अपने ऑब्स्टेकल्स है वो थोड़े लाइक चौड़े थे, मतलब ग्राउंड्स कर सकते हो तुम, प्रीफैब बनाया ना तो इसके मतलब ये स्केल चेंज कर लो, उसमें एक्स बढ़ा लो उसकी, टू कर लो तो वो सबके सब बढ़ गए। ये लो सर, ऐसा मतलब मेरे को आइडिया आया था कि जैसे हम लोग वो क्रोम में डायनासोर वाली गेम होती है तो उसमें थोड़ा आगे जाते हैं तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो वैसे हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं एक लेवल पार होने के बाद। हाँ कर सकते हो, हमें ये चीज मेन कैमरा में करनी पड़ेगी। देखो मेन कैमरा में क्या क्या है, स्काई बॉक्स है, बैकग्राउंड है, तो हमें मेन कैमरा एक कैमरा का रेफरेंस लेना है, उसके बाद में कैमरा डॉट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर हमें यहाँ पे जो कलर वैल्यूज डालनी है वो कैसे डालनी है, ये हेक्स वैल्यूज आरजीबीए, हेक्साडेसिमल वैल्यूज यूज कर सकते हो तुम, या फिर ये आरजीबीए यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये जो कलर हम यहाँ सेट करते हैं ना वही हमें दिखाता है। स्काई बॉक्स के अंदर हम सॉलिड कलर कर देंगे ना तो ये देखो ये कलर हो गया, फिर हम स्काई बॉक्स चेंज कर देते हैं तो हमें ये चीज दिखाएगा। और सर एक और भी था कि जैसे अगर हमको पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना हो तो हाँ कर सकते हो तुम, मतलब एक पॉइंट पे आके फिर कैमरा जो ये ऑफसेट है ना, कैमरा में ऑफसेट सेट किया था हम लोगों ने, ये ऑफसेट था कैमरा स्क्रिप्ट में, तो तुम स्क्रिप्ट से ही ऑफसेट को डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, कि फंक्शन बना दो कि यहाँ पे मतलब जैसे ही रिजिड बॉडी की जो पोजीशन है किसमें, सॉरी जैसे प्लेयर की जो पोजीशन है वो एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके उसके बाद में क्या हो offset equals to xyz, फिर वो सेट कर दो offset का, offset dot x इतना होना चाहिए, offset dot y इतना हो जाए। नहीं सर, जैसे वो ड्राइविंग गेम्स में होते हैं ना कि अगर आपने v दबाया तो आपका वो चेंज हो जाएगा, आपको फर्स्ट पर्सन मोड मिलेगा फिर थर्ड पर्सन व्यू मिलेगा, वो वैसा उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम कर सकते हो मतलब कैमरा स्विच? हाँ बेसिकली वही। हाँ 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 वो भी कर सकते हो तुम, दो कैमरा बना लो, दोनों का रेफरेंस ले लो, एक को डिसेबल कर दो उस टाइम, दूसरे को अनेबल कर दो, आसान है। और गेम ऑब्जेक्ट को अनेबल डिसेबल करना है तो उसके लिए फंक्शन था इज वो सेट एक्टिव डॉट सेट एक्टिव, समझे? यस सर। कैसा भी कर सकते हो भाई, यूनिटी में तुम जितना सोच सकते हो ना उतना सब कुछ कर सकते हो, जितनी फिजिक्स तुम्हें पता है उतना सब यूज हो सकता है इसमें, तुम कुछ भी कर सकते हो तुम, मतलब जैसे वो तुम जंप करवा सकते हो, दिव्यांश सर ने किया अपने प्रोजेक्ट में कि जंप करवाया है, मतलब एज ए लाइफ मिली और फिर वो जंप करवा रहे होंगे, बहुत सारे काम है, मतलब कोलिजन होने पे पार्टिकल सिस्टम अप्लाई कर सकते हो, कोलिजन होते जैसे ही ब्लास्ट हो फिर वो कहीं और जाके गिरे, कुछ भी करवा सकते हो, कहीं और दूसरी जगह पे स्पॉन हो, पावर अप दे सकते हो, स्लो डाउन का कर सकते हो उसमें। तो खुद सोचो कि क्या क्या कर सकते हो तुम अपने गेम के अंदर, बस वो
कौन थी जिसने अभी शेयर किया था लड़की, उसने किया था ना वो वॉल बनाई थी फिर उसके अंदर गोल गोल घुमा दी थी उसने। तुम फ्री हो यार, यूनिटी के अंदर कुछ भी करो, यूनिटी फॉर एवरीवन। सर एक एरर आ रहा है, मैंने चैट बॉक्स पर डाला, देखो एरर। एक सेकंड, स्क्रिप्ट कोलिजन एरर टाइप कोलिजन स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी डिफाइंड मेंबर कॉल ऑन कोलिजन एंटर विद द सेम पैरामीटर टाइप। तुमने दो बार फंक्शन से यूज कर लिया ऑन कोलिजन एंटर, चेक करो स्क्रिप्ट में, या फिर दो कोलिजन स्क्रिप्ट होंगी यहां पे आई थिंक, जीरो मैंने पता नहीं। तो शेयर करूं? हां शेयर करो। प्राइवेट वर्ल्ड प्राइवेट हटाओ एक तो, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं इसको। अदर डॉट कोलाइड ऑब्जेक्ट, सही है। तुम यूनिटी वो दिखाओ इंटरफेस। अब कहाँ पे तुमने स्क्रिप्ट कहा है तुम्हारी? यहाँ पे दो दो है क्या तुम्हारी स्क्रिप्ट? देखो नहीं, एसेट्स पे क्लिक करो, वो प्रोजेक्ट में एसेट्स, हाँ ये देखो एक स्क्रिप्ट यहाँ है और एक स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स में है, तो वो एरर दे रहा है। दो आ गए ना सेम नाम से, तो दो दो जगह एक नाम से फंक्शन, हाँ उसको डिलीट करो जो गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं है। तुम देखो कौन सी अटैच है, प्लेयर के साथ अटैच किया है ना, प्लेयर पे क्लिक करो। हाँ अब वो नीचे स्क्रिप्ट पे आ जाओ, और ये बाकी भी जो भी चीजें हैं उनको बंद कर लेगा। ये क्लिक करो कोलिजन स्क्रिप्ट पे, हाँ स्क्रिप्ट में आ रहा है ना, हाँ क्लिक करो। हाँ ये है, तुम बाहर वाली हटा दो एसेट्स में, हाँ ये हटा दो, ये डिलीट हो जाएगी। अगर उसे डिलीट करते तो वो एक और कॉपी बनाता, क्योंकि वो अटैच है गेम ऑब्जेक्ट के साथ। अब क्या एरर है? सीन मैनेजमेंट डजंट एग्जिस्ट। हाँ तुमने सीन मैनेजमेंट यूज किया, यूजिंग यूनिटी डॉट सीन मैनेजमेंट स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट ओपन करो तुम्हारी, हाँ वो ऊपर ही ऊपर यूजिंग यूनिटी इंजन है, उसके साथ में लिखो यूजिंग यूनिटी इंजन, नहीं न्यू लाइन, न्यू लाइन में नीचे, हाँ उसी के नीचे न्यू लाइन में यूजिंग यूनिटी इंजन, हाँ कैपिटल यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट कैपिटल एस और मैनेजमेंट में भी एम कैपिटल मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट सीन मैनेजमेंट। और तुम ये चीज किसमें कर रहे हो? इसमें 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 नहीं, ये गेम मैनेजर में भी ऐड करो, यहाँ से कॉपी कर लो चाहे गेम मैनेजर में भी ऐड करो, बिल्कुल गेम मैनेजर में लोड करवा रहे हैं ना मशीन। जल्दी करो यार ये चीज, जल्दी जल्दी करो काम। अच्छा तुम्हारे बाद में देखते हैं ये, है ना ऑन कोलिजन एंटर, तब तक हम नई चीज बताते हैं तुम्हें। सीन ये सीन मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि सीन कैसे लोड करें नेक्स्ट। अब हमें एक न्यू सीन बनाते हैं जिसके अंदर मतलब स्पीड बढ़ा देते हैं, तो ये काम कैसे करोगे सीन? एक सेकेंड, हाँ मैं कर ही रहा था, बोलते बोलते स्क्रीन आ रही है। अच्छा तुम लोग एक जल्दी से एक न्यू सीन क्रिएट करो, देखते हैं कौन जल्दी करता है, और उसके अंदर सेम चीज करना है और स्पीड बढ़ानी है हमें। करो करो फटाफट।
करे तो करो भाई जल्दी, और स्पीड बढ़ा दियो, स्पीड एक्स्ट्रा डाल दियो मतलब, या फिर ऐसे कर दो कि शुरू हो और फिर आगे आगे बढ़ती जाए स्पीड। हाँ और दूर दूर रखियो काफी मतलब ऑब्स्टेकल्स को, क्योंकि स्पीड काफी है तो वो एकदम पास में लगेंगे जब तुम लोग खेलोगे ना उसको गेम को, काफी पास लगेंगे वो। देखो भाई मेरा तो बन गया, तुम लोगों का हुआ किसी का? हेलो हुआ? न्यू सीन, अच्छा न्यू सीन कहाँ से क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक करो क्रिएट, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा सीन, और उससे न्यू सीन बनेगा, फिर कॉपी पेस्ट मार लो पूरे सीन मतलब जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, फटाफट करो भाई ये तो 2 मिनट का काम है, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अभी मैंने वो सीन को लोड करना सिखाया है, तो हम ऐसे ही नेक्स्ट सीन भी तो लोड कर सकते हैं सेम टू सेम चीज, बस हमें क्या करना है बिल्ड इंडेक्स सेट करना है। अच्छा कोई लॉजिक बता सकता है कि मान लो पहला लेवल है तो फिर सारे ऑब्स्टेकल्स हमने पार कर लिए, देन फिर ऐसा क्या कंडीशन रखें कि दूसरे लेवल में स्विच हो? बताओ बताओ। एक डोर हमने जिससे कोलिजन पे सीन 2 को स्विच हो जाए। हाँ एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट रख दिया ना उसके सामने, इनविजिबल ऑब्जेक्ट, ओके तो फिर उससे कोलाइड करेगा तो नया सीन खोल दे। नाइस यस सर, तो पढ़ नाइस नाइस। अंश तो बता। अरे यार फिर मैं तो ऐसा सोच रहा था वही इनविजिबल ऑब्जेक्ट नहीं लेकिन उसको विजिबल कर देंगे लेकिन उसमें गेटवे टाइप बना दे, ऐसा कर सकते? वो भी ठीक है। हां इससे अगर पास हुआ तो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल आएगा। हां ये भी सही है, बढ़िया बढ़िया, गुड चलिए यही करते हैं। ठीक है यही दिखाते हैं तुम्हें।
बना रहे हो ना सारे सीन्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल लो अभी भी, कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज में बताओ भाई सब। सो फिलहाल तो गेट इन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसमें? जो गेट इन है ना। किसमें दोबारा बताइए भाई। गेट इन में बिल्ड इंडेक्स वाला पार्ट सर। बिल्ड इंडेक्स वाला गेट सीन में। अच्छा हाँ ये ध्यान रखियो कि ये यहाँ पे भी हम सीन मैनेजर यूज करते हैं, और जब हम पैरामीटर पास करते हैं ना तो यहाँ पे भी हम सीन मैनेजर यूज करते हैं, और ये होना चाहिए सीन मैनेजर यूज करने के लिए, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजर। ये तो एक मिनट में देखते और फिर गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स प्लस जीरो, मतलब वही सीन दोबारा लोड हो। हुआ इतना? चलो भाई गेट बना दिया तुम्हारा। टू में चल रहा है सब का। हुआ? अरे ज्यादा कुछ मत करना, बस दो तीन लगा दो और लास्ट में बताते हैं कैसे इन्वोक करेंगे नेक्स्ट सीन को। हो गया? हेलो यस सर। हाँ एक न्यू सीन बनाना है, कॉपी करना है, और उसके अंदर बस थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट लगा दो, और लास्ट के अंदर एक मतलब क्यूब रख दो। फिर बना दिया वो गेट जैसा। तो अरे गेट बनाना जरूरी नहीं था, ये तो ऐसे बना दिया बस। एक मतलब एक ये जो है ना मैश फॉर एंडर का एक क्यूब रखो लास्ट के अंदर, बड़ा कर दो। कर दिया ये, मतलब मैश रेंडर जितना कर दिया उसको मल्टीपल भी कर दिया। सही है, मैश रेंडर करो, उसके बाद में फिर वो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, तो मतलब थोड़ा विजिबल रहेगा अपने को क्या चीज है। उसके लिए यहाँ से कुछ भी सेट कर दो, ग्रीन रेड ब्लू कुछ भी। हाँ अगर मैं यहाँ, हाँ अगर मैं यहाँ से निकलूंगा ना तो वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा, अगर मैं सिर्फ यहाँ से निकलूंगा तो यही चीज ट्रिगर होगी ये क्यूब को। इसको एक्सटेंड कर दो सर, या हाँ
कर लिया इतना जल्दी करो भाई, ऐसे क्या कर। यार एक सेकंड सुन लो यार मेरी बात, बस मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा काम आ गया है। मेरे को बस बताना है कि आज तुम्हारा ये 3D का यूनिटी 3D का प्रोजेक्ट आज फाइनलाइज हो जाएगा, एंड कल से मैं तुम्हें यूनिटी 2D पे एक प्रोजेक्ट कराऊंगा। बहुतों ने देख रहा होगा जो प्रोजेक्ट मैंने एक बार बनाया था, शायद लिंक्डइन वगैरह पे डाला है, उस पर तुम जाके देख लेना। सेम गेम तुमसे बनवाऊंगा मैं, ठीक है, और तुमने जो जो अभी तक सीखा है उसी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और टेंशन मत लो, किसी का अगर कुछ मिस भी हो गया था तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। और कल एक दिन में मोस्ट प्रोबेबली हम पूरा अपना 2D का गेम कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पे लिंक आ जाएगा एक रिपोजिटरी का, तुम्हें बस उसको क्लोन करके अपने PC पे रख लेना है, ठीक है। एंड उस रिपोजिटरी पे तुम्हारा बेसिक UI बन रखा होगा, ठीक है, वो अभी चलेगा नहीं ऑब्वियसली, बट हम कल 1 या 1.5 घंटे में हम वो पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे एंड तुम लोग के पास एक बेसिक शूटर गेम हो जाएगा, ठीक है। एंड उसमें हम 2-3 चीज नए भी ऐड करेंगे और 2-3 चीज जो हमने अभी तक सीखा है उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कल भी तुम लोग आओगे एंड तुम्हारा ग्रुप पे मैसेज चला जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो, इस चीज पे वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्या मैंने बस यही बताया कल 2D गेम करवाएंगे, ठीक है। तुम सबके पास एक प्रोजेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सारे एक बार यस बोल दो यार, अच्छा रहेगा। यस सर, यस सर, यस सर। बस 3। यस सर। ओके सर, यस सर। चलो ठीक है फिर, बाय बाय दिव्यांश, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मेरे को उसे कॉल कर दो, ठीक है। ओके मैम, बाय। सो हाँ हाँ भाई बोलो। तो मेरा अभी भी उसमें सेम ही एरर दिखा रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई सिद्धार्थ को रिप्रेजेंट करो भाई, अभी करते हैं तुम्हारे व्यक्ति का रेफरेंस नहीं दिया भाई। रेफरेंस देखो, कोई ना कोई स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ना कुछ छोटा होगा, स्क्रिप्ट नेम भी बता रहा होगा उसमें होगा। सर वो बोल तो इसमें रहा है एरर, इस स्क्रिप्ट में बोल रहा है एरर। क्या क्या एरर? तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस कोलिजन दो कोलिजंस डॉट ऑन कोलिजन एंटर। अच्छा कोलिजन वाली स्क्रिप्ट, कोलिजन स्क्रिप्ट सुनो भाई, इसमें इसमें आ रहा है प्राइवेट वॉइड ऑब्जेक्ट का। अच्छा तुमने यूनिटी के अंदर ये टैग क्या किया है ऑब्स्टेकल्स को, किस नाम से किया है? ऑब्स्टेकल दिया था नाम, ऑब्स्टेकल ही दिया है। ऑब्स्टेकल कोलाइडर टैग यूज कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल दिया था। कैपिटल ओ है भाई, कैपिटल ओ। हाँ भाई सो कैपिटल यूज किया है। वर्ल्ड ऑन कोलिजन एंटर सही तो है स्क्रिप्ट तेरी सही। एक तो वो नहीं होता ना, इसमें ऑटो फिल नहीं होता मेरी स्क्रिप्ट में, तो खुद लिखना पड़ता है पूरा। तूने पता है क्या कहते हैं उसके टूल्स भी इंस्टॉल किए, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर होगा ना तेरा, उसमें एक यूनिटी और .NET के टूल्स आते हैं। अच्छा तो एक काम कर, क्या किया था तू एडिट में जा, एडिट में जा यूनिटी इंटरफेस में,
यूनिटी इंटरफेस यूनिटी एडिट प्रेफरेंस नीचे प्रेफरेंसेस अब यहाँ पे ये है ना एक्सटर्नल टूल्स क्लिक कर एक्सटर्नल टूल्स थोड़ा बड़ा कर यार इसको एंड अभी तेरे को ऊपर जा और यहाँ पे ओपन बाय फाइल एक्सटेंशन की जगह वीएस कोड में जिसमें भी चला रहा है वो कर कैसे हाँ अभी एम्बेडेड पैकेज को अनेबल करके मतलब डिसेबल करके अनेबल कर फिर से किसको सर ये एम्बेडेड पैकेज है हाँ और फिर रीजनरेट प्रोजेक्ट फाइल्स हो गया अब इसको बंद कर और उसके बाद में एसेट्स यहाँ पर रिफ्रेश अब तेरा ऑटो कंप्लीशन ऑन हो गया चेक कुछ भी डाल गेट कंपोनेंट डाल क्लिक कर गेट कंपोनेंट गेट लिख तुमने यूनिटी डिबगर इंस्टॉल किया इसमें तो कहाँ से चेक चलो ये बाद में देखते हैं ये चीज बाद में देखते हैं तुम्हारा सर इसके ऑब्स्टेकल में ना यहाँ पे ओ बड़ा है लेकिन दूसरी साइड जो लिखा हुआ है ना यूनिटी में उसमें ओ छोटा है बड़ा बड़ा ही चलो तुम्हारा देखते हैं बाद में देखते हैं यार अभी रुको है ना अभी करवाते हैं ये पूरा तो मैं कई लोगों को जानना भी है अच्छा इतना कर लिया ना तुमने न्यू सीन बना लिया वो और एक लास्ट के अंदर एक कोई भी एक क्यूब स्पॉन कर लो और उसको थोड़ा साइज बड़ा कर लो उसका चलो ये है अपना सीन जिसके अंदर से हम नेक्स्ट सीन में जाएंगे सीन टू में ये न्यूली क्रिएटेड सीन है सीन टू और ये अभी लोडेड सीन है अपना सैंपल सीन डबल क्लिक करके सीन लोड कर लो जो अपन फर्स्ट टाइम बनाया था सैंपल सीन प्रोजेक्ट पैनल से हाँ सैंपल सीन पे जाके डबल क्लिक करते ही वो सीन खुल जाएगा और उस सीन में हमने क्यूब बनाया है ये मेरा क्यूब है अब इसके अंदर मैंने क्या किया एक न्यू टैग दिया है इसको कि भाई यहाँ जाके इससे इस टैग से अगर वो अपना प्लेयर कोलाइड करेगा तो वो कुछ करेगा तो इसके लिए हम प्लेयर की जो स्क्रिप्ट थी हमारी जो ये काम कर रहा था कोलिजन का वो स्क्रिप्ट ओपन करते हैं अब लिखते हैं इफ अदर डॉट कोलाइडर डॉट टैग इक्वल्स टू क्या था जो भी तुमने टैग दिया है ना उसको मैंने टैग किया है हाँ नेक्स्ट लेवल कैपिटल लेवल मैंने टैग किया नेक्स्ट लेवल अगर इससे वो कोलाइड करेगा तो वो क्या करेगा हाँ ये सब काम तो करेगा nmt dot enable equals to false और फिर find object to find game manager dot next level कर लो हम उसके अंदर अब ये next level load करेगा हमने अभी यहाँ पे बनाया नहीं next level तब ये red दिखा रहे इसके नीचे तो अभी क्या जाएंगे game manager में जाएंगे और यहाँ पे एक new function create करेंगे new function का नाम होगा void next level नेक्स्ट लेवल अब नेक्स्ट लेवल में क्या होगा वही चीज सीन मैनेजर डॉट लोड एक्टिव सीन प्लस वन मतलब नेक्स्ट सीन यहाँ पे था प्लस जीरो करते तो वो सेम सीन लोड कर देगा दोबारा और यहाँ पे प्लस वन वो नेक्स्ट सीन लोड कर देगा और ये हमने कोलिजन के अंदर इसको डिफाइन कर दिया कि भाई गेम मैनेजर ऑब्जेक्ट को फाइंड करके उसके अंदर नेक्स्ट सीन वाला फंक्शन रन करना है तुम्हें इतना समझ में आया क्या किया यहाँ पे एक नया इफ स्टेटमेंट बनाया कि नेक्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ही वो कोलाइड करेगा तो नेक्स्ट सीन लोड हो जाएगा और फिर गेम मैनेजर के अंदर नेक्स्ट सीन लोड करवा दिया समझ गए हेलो यस सर आ गया सर
हाँ और ये पब्लिक कर दियो, जो भी मतलब दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर अगर यूज करते हैं ना तो वो पब्लिक होनी चाहिए, वरना वो यूज नहीं होगा वो चीज, वो फंक्शन पब्लिक कर दियो अगर जिस भी दूसरी स्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो अगर उस चीज को, तो वो चीज पब्लिक होनी चाहिए। हाँ ये गेम मैनेजर का कोड भेज रहा हूँ मैं, ये तो है जो भी कर रहा है वो आप गिटहब पे कर सकते हैं आप लोग। हाँ भाई गिटहब पे हो रहा है साथ साथ। सर एक क्वेश्चन, हाँ सर आप सी शार्प के कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हो कि आप सी शार्प कहाँ से पढ़ो? हाँ अरे देखो हम सी के अंदर क्या कर रहे थे कि ये सब काम तो कर ही रहे थे, वेरिएबल डिक्लेयर करना, अब बस हम क्या करते थे कि उसके आगे वो टाइप लगा देते थे, तो ये है टाइप उनका, ये टाइप है, ये वेरिएबल नेम हो गया, और बस एक पब्लिक और लगा देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है पूरी सी शार्प, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बस ये चीज पहले से आती है उसमें। बाकी ये फंक्शन बनाया है हमने, void, फिर फंक्शन नेम और फंक्शन पैरामीटर, सेम चीज है भाई कोडिंग। हाँ एक नेक्स्ट लेवल पे ये देखो। हाँ अभी हमने ये सिर्फ स्क्रिप्ट का काम है, अभी इंटरफेस में काम करना पड़ेगा क्या, फाइल पे जाइए क्योंकि वो लोड करेगा, अगर उसको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर सीन नहीं मिला तो वो लोड नहीं करेगा, बिल्ड सेटिंग और फिर हमने क्या करना है, सीन को चूज करना है और ऐड ओपन सीन, सॉरी ओपन करना पड़ेगा सीन को और ऐड ओपन सीन, तो वो क्या देखो वन आ गया, तो उसका इंडेक्स जीरो था जो अपना चल रहा है, और जैसे मैंने प्लस वन किया मतलब लेवल कंप्लीट होते ही वो इस पे आ जाएगा सीन टू पे, तो यहाँ पे ये चीज करना मत भूलना वरना लोड नहीं होगा अगला सीन, तुम स्क्रिप्ट तो कर दोगे ये चीज मत भूल जाइए। क्या करना है, फाइल पहले तो जो सीन पे जाना है वो लोड करना मतलब ओपन करना, फिर बिल्ड सेटिंग्स फाइल में एंड देन ऐड ओपन सीन, तो वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा सीन टू, और फिर सेव करना और फिर अपना पहले वाला इनिशियल लेवल लोड कर लेना एंड देन प्ले। ओ भाई यार ऑब्स्टेकल कुछ खतरनाक बचा दिए मैं, ये देखो ये न्यू सीन आ गया, ये देखो इतने ऑब्स्टिकल थे नहीं उसमें पीछे वाले, ये नीचे गिर गया, समझ गए, देखो काम कर रहा है वो, सैंपल सीन से हम न्यू सीन में चले गए, अब हम उसमें रीस्टार्ट भी मतलब डिले भी डाल सकते हैं, जैसे इनवोक का किया था ना तो हम उसमें डिले भी डाल सकते हैं, तो डिले कैसे डालेंगे, एक इनवोक स्टेटमेंट चलो डिले नहीं डालते, डिले में फिर वो फ्लैग फ्लैग बनाने पड़ेंगे, हो गया इतना, किसी को समझ ना आया वो क्या किया है हमने, बस एक सिंपल चीज की है, नया सीन बनाया उसके अंदर गेट एक्टिव सीन वाला अप्लाई किया है, बस बाकी और कुछ नहीं है।